साउथ कोरियन फिल्में अपनी मिस्टीरियस स्टोरी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी सक्सेसफुल होती है। कोरियन मूवीज में लव, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, एडवेंचर, मिस्ट्री आदि का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। आज इस वीडियो के अंदर हिंदी डब की गई टॉप 5 बेस्ट साउथ कोरियन मूवीज़ को कवर करने वाले जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको साउथ कोरियन मूवीज़ देखना पसंद है तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो में एक लाइक कर देना और ऐसी टॉप मूवीज़ के लिस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स बिगिन। तो आज की इस काउंटडाउन में नंबर 5 पर रहती है टाइम टू हंट। 2020 में आई एक आउटस्टैंडिंग साउथ कोरियन क्राइम ड्रामा मूवी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है। इस पर बेस्ड यह मूवी बहुत ही ड्रामेटिक है। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है इन द नियर फ्यूचर कोरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है जिसके वजह से चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और लोग क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं। लोग जिंदा रहने के लिए अपराध में शामिल होने लग जाते हैं। मूवी के अंदर यंग लोगों का एक ग्रुप होता है जो सर्वाइव करने के लिए एक रॉबरी का प्लान करता है। इसके आगे की कहानी मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये मूवी हिंदी में डब्ड है। आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.3 की रेटिंग मिला है। तो आज के इस काउंटडाउन में नंबर 4 पर आती है स्टील रेन 2। मूवी आई थी 2020 में। एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है विद फैंटास्टिक स्टोरी। इस मूवी में लॉट्स ऑफ एक्शन ड्रामा देखने को मिलती है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड अमेरिका के बड़े लीडर्स नॉर्थ कोरिया एंड पेनिनसुलिया रीजन से रिलेटेड बहुत ही क्रूशियल इशूज पर डिस्कस करने के लिए एक सम्मेलन में मिलते हैं। लेकिन स्टोरी एक मोड़ ले लेती है जब उनका अपहरण कर लिया जाता है। अब आगे की स्टोरी मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगी। मूवी हिंदी में डब्ड है। इस मूवी को आईएमडीबी पर 6.2 की रेटिंग मिला है। तो आज के हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है बीस्ट क्लाउइंग एयर स्ट्रॉल्स। मूवी आई थी 2020 में। यह ग्रेट क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जो बहुत ही अमेजिंग है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्ट्रगलिंग रेस्टोरेंट ओनर से जो अपने बीमार माँ की देखभाल करता है। उसे एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारा कैश है, जबकि एक कस्टम ऑफिसर मुश्किल में पड़ जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड लोन शार्क से उधार लिए गए पैसे लेकर भाग जाती है। दो अलग अलग आदमी की स्टोरी कॉम्बिनेशन इस मूवी को और भी ज्यादा ग्रेट बनाती है। ये मूवी हिंदी में डब्ड आपको बहुत ज्यादा पसंद आ सकती है। 7/10 की रेटिंग मिला है इस मूवी को आईएमडीबी पर। तो आज के हमारे इस काउंटडाउन में नंबर 2 पर आती है द सस्पेक्ट। मूवी आई थी 2013 में। एनी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक नॉर्थ कोरियन एजेंट जिसे धोखा दिया गया है और अब वो खुद से भाग रहा है। उसे एक डेडमैन का चश्मा मिलता है जिसके अंदर छिपे कुछ सीक्रेट को वो अनकवर करने की कोशिश करता है। मूवी में लॉट्स ऑफ एक्शन थ्रिल देखने को मिलती है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये मूवी हिंदी में डब्ड है। इस मूवी को 6.8 की रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर। फाइनली नंबर 1 पर आती है द मैन फ्रॉम नावेयर। मूवी आई थी 2010 में। यानी एक साउथ कोरियन ग्रेट एक्शन क्राइम मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एक्स स्पेशल एजेंट की जो एक ड्रग रिंग ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाता है जब एक छोटी बच्ची एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग के बीच फंस जाती है। वो उस बच्ची को उन लोगों से बचाने की कोशिश करता है। मूवी की अमेजिंग स्टोरी एंड एक्शन थ्रिल इस मूवी को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाता है। ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है। हिंदी डब्ड इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.7 की रेटिंग मिला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, इस चैनल पर आपको बहुत सारी लेटेस्ट हिंदी डब मूवीज की लिस्ट मिलेगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।